आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज इनको शास्त्रण करने के लिए निमंत्रित करते हैं। रोहित जैन मिल्टन परिवार नागपुर निवासी, इन्होंने एक त्रिकाल चौबीसी की 21 लाख रुपए की प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है, चलो, और एक कमरे की भी स्वीकृति दे 2,51,000 रुपए की एक कमरे की भी स्वीकृति दे। मिल्टन परिवार नागपुर सभी से परिवार आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। भरतज जैन बड़कुल इंदौर निवासी, इन्होंने 2,51,000 रुपए की एक कमरे की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। बाहुबली गणे सौरभ गणे सन्मति गणे सांगली निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की एक संस्कृत जिन चैत्यालय की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। बाहुबली गणे और परिवार 3,51,000 रुपए की संस्कृत जिन चैत्यालय की स्वीकृति इनके द्वारा प्राप्त हुई है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। अनुज अशोक कुमार संजय कुमार बाकलीवाल परिवार पिसागन अजमेर राजस्थान निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। अनुज रोहित गुड़करी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। अनुज चारू जैन स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन यूएसए, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। अरविंद कुमार अखिलेश कुमार जैन, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए आचार्य जी की आचार्य जी को शास्त्र दान करे। नाम बोलिए। प्रकाश जैन शास्त्री धर्मशाला के लिए, इन्होंने भी 2,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। आज यहाँ श्रमण संस्कृति सांगानेर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और निरापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज इनके प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में जो महाराष्ट्र के छात्र पढ़े हैं, ऐसे सभी छात्र आए हैं, वो वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे आचार्य जी के चरणों में और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके दो प्रतिनिधि केवल आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सांगानेर के छात्र के दो प्रतिनिधि केवल आएंगे। प्रारंभ कर रहे हैं, सभी अपने अपने स्थान पर यहाँ पर बैठना है। सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे। आज का पूजन भी यहाँ सांगानेर के छात्रों द्वारा करवाया जा रहा है, वे सभी छात्र पूजन प्रारंभ करें। चला एक मिनट एक मिनट। लक्ष्मीकांत अप्पा साहेब पाटिल, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। बाकी सगड़े लोग का ताड़वा पूजन प्रारंभ। आचार्य श्री जी जी के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके कीर्ति मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिन्द्र अत्र उतर सवटिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो वृष्ट स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा
यह बंद ओम रूम परम पूज्य संत शून्य चर्वगन विद्या सागर जी मामनिंद्र जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल ताता में अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम परम पूज्य संत शुभ आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना रंगा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं मैं आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय काम बाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुद्ध रोग की व्यथा कदा भव में कहता है आया हो, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, नहीं वेद समत पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय क्षुदारोग विनाशनाय नैवद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, आप ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक है माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाग रहा अपनाया था, शुभ अशुभ कर्म सब निभोग मैं इनमें जलने आया, इसीलिए तुम चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय अष्टकर्म धोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शुभ आचार्य भगवान विद्या सागर जी मामनिंद्राय मा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है,
कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यहां ऋण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शमणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यमणि रूपामिति स्वा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शमणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः श्री गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जेवलो परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को वह स्वाध्याय करते समय प्रसंग याद आ रहा होगा, यदि आपने किया है तो, नहीं है तो आपके सामने रखा जा रहा है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये पूर्वी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। भूगोल के विषय में आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे तो इसको समझ पाओगे। उसके बाद आज का विज्ञान लोक की व्यवस्था नहीं मानता, घूमना पड़ता है इसे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में एक और आता है जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। अकेला चारित्र भी होता है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन हो सकता है ये तो अवश्य कहा है। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान को अवश्य सम्यक होना अनिवार्य है। सम्यक चारित्र भी तभी होता है, सम्यक दर्शन जब होता है। चारित्र अकेला नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, ज्ञान कब काम करता है, कब कब करता है और क्यों करता है। स्वधर्म इंद्र है, एक भाव के बाद उसे अनिवार्य रूप से मुक्ति मिलनी है और यहां से वह स्वधर्म इंद्र बना। अन्यत्र कोई भी प्रदेश देश नहीं है उसके लिए सहारा, यहीं से ढाई द्वीप से होगा, वो कर्म भूमि वाला ही होगा, मुनि बने बिना नहीं होगा। ये सब कुछ बातें ऐसे हैं। अब यहाँ से वह चला गया, मुनि था मान लो, तो वहाँ तो मुनि बन नहीं सकेगा, किंतु चारित्र क्या काम करता है, आचरण क्या काम करता है ये बताया जा रहा। वहाँ पर जाने के उपरांत उसके द्वादशांग का ज्ञान पूर्णतः हो जाता है। वहाँ अविरत दशा है, यहाँ पर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, मुनि बने बिना पूर्व इत्यादि का ज्ञान नहीं हो सकता, ये अब कह रहा। वहाँ पर कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा ज्ञान इनके पास था ही नहीं। वहाँ पर कैसा हुआ, चारित्र किस काम का है, उसने तो चारित्र का पालन किया था, उसके फल स्वरूप यहाँ पर तो क्षेम नहीं हुआ, लेकिन उस चारित्र के कारण
बादशांगत्व उनके पास पूर्ण आ जाएगा। लकवा जिसको बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, किंतु वह आधा ही अंग संभाल लेता है। पक्षपात सर्वांग पर अपना प्रभाव डालता है, एड़ी से लेकर चोटी तक उल्टा दिखेगा, सब धमसारियों से उल्टा दिखेगा। तो उसके लिए ज्ञान जो होता है वह बिना ज्ञान कैसे हो गया? चारित्र की ये महिमा संस्कार लेकर के गया है, इसलिए स्वर्गों में भी स्वधर्म के लिए वह सम्य ज्ञान काम कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, यहाँ पर अक्षर का ज्ञान भी नहीं है, ऐसा मुनि महाराज बैठे हैं, उनके चार तीन परिक्रमा लगा कर या पांच परिक्रमा लगा कर, कितने लगाते? तीन ही लगाते, हमने सुना था सात भी लगाते हैं, भूल जाते हैं, शादी थोड़ी हो रही वहाँ पर, होश हवा से रखा करो। अब तीन होते हैं तो वहां पर वह द्वादशांग का पाठी है, मुनि महाराज के पास कितना ज्ञान है देख तो लो, गलत बात। मुझे जो ज्ञान मिला है इस चारित्र की महिमा से ही मिला है, ऐसा संस्कार है। इस संस्कार को आप क्या करो, संसार के विच्छेद के लिए कारण है ऐसा संस्कार, कोई चिंता नहीं करो, किंतु ज्ञान तो पक्का, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता, तो ये ज्ञान क्या है? लेकिन जो व्यक्ति इस चारित्र की आवश्यकता नहीं मानता है, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको अपने समय पर बुद्धि आएगी। यदि उसने केवल अकेले ज्ञान के ही मान लो आराधना की है, कभी भी उसे वहाँ पर द्वादशांग नहीं होगा। और एक ही अंग का एक ही पेन उन्हें करके कोई काम करेगा, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। नमक के बिना आपको यदि आहार नहीं ठीक लगता है तो नमक की बोरी रख दो उसके पास, खा ले। क्यों? भोजन खाया जाता है, भोजन किया जाता है, नमक के आने से अनुपात से यदि लगाओ तो, नहीं तो इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, नमक ही नमक हो गया भैया, उल्टी होने को हो गया। क्यों? मात्रा बढ़ गई। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की क्या मात्रा है पहले सीख लो, फिर बाद में इसकी चर्चा कर लो, बहुत अच्छा होगा। इससे भी बढ़कर के और संस्कार की मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोकांतिक देव है। वो लोकांतिक देव क्या है? वो भी बारह भावना ही एकमात्र भा करके चले जाते हैं। द्वादशांग को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बारह भावना के लिए तो राजा राणा छत्रपति ये रटे हुए नहीं थे। वे आज भी वे अपने इस व्रत का पालन कर रहे हैं, और उसी समय वो तीर्थंकर के पास आते हैं, जिस समय तीर्थंकर भी घर में बैठे, बारह भावना का चिंतन आते ही घर छोड़ना पड़ता है। आप टेप रिकॉर्ड सुन रहे हो बारह भावना की, शादी के समय पर भी वो बजा रहे हैं, किस काम का है? इस मात्र इस प्रकार करने से कुछ नहीं होगा। सोलहकार भावनाएं, बारह भावनाएं, ये जो भाता है वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, सामने क्षायिक सम्य दृष्टि भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता।
ये अलग दवाई है जिसके द्वारा रोग ठीक होता है। आप लोग कितने भी शास्त्र की धारणा भावना भाव, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं। चारित्र की सुगंधि के बिना वह स्वाद आ ही नहीं सकता। इसलिए वह तीर्थंकर बनने वाले हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोकांतिक देव पक्का है। वह पूर्व में भी 12 भावना का चिंतन जब किया जाता है मुनि के लिए बनता है। वो तीर्थंकरों के पास वह पहले नहीं आते। लोकांतिक देव जिस समय वे वैराग भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं उस समय वह बाहर निकलते हैं। उस समय यह कहा जाता है, प्रभु आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, हम इसका समर्थन ही नहीं करते हैं, इन तो प्रणाम करते हैं, हमारा नंबर आपने ले लिया पहले, धन्य हो प्रभु आप धन्य हैं। ऐसे छोटे छोटे बालक किसी को सौधर्मेंद्र को नहीं भेजा जाता। और छोटे छोटे बालक जो है ना 8 आते हैं और वे सारे सारे इस प्रकार उनके लिए संबोधन नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं और चले जाते हैं। वो कभी भी हमने नहीं सुना तीर्थंकरों के समोचरण में जाकर के लोकांतिक बैठे हो, उनका इतना ही काम है। और वहाँ पर भी केवल कोई ऋषि बनने का दावा करता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं। वहाँ पर देवर्षि कहलाने वाले अविरत सम्यक दृष्टि होकर के भी वहाँ पर वे 12 भावना में ही चिंतन में ही उनका काल व्यतीत होता है और उन्हें भी द्वादशां का पाटी खाए। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार है ये। इसलिए हमें करने योग्य कार्य क्या वो करना चाहिए। केवल मात्र ज्ञान करने से कुछ नहीं हासिल होता, किंतु केवल चारित्र की नग्नता ही चारित्र नहीं है, उसके साथ ये विवेक भी होना अनिवार्य है, वैराग होना अनिवार्य है और कुछ दाग लपेटा नहीं। दुनिया के शास्त्र नहीं पढ़े जाते वहाँ पर, केवल द्वादशांग जन्मानी के द्वारा जो लिखित है उसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा स्वर्ग और ऐसा लोकांतिक देव या और कोई तीर्थंकर होना आसान नहीं है। आसमान को छू सकते हो विज्ञान के माध्यम से, किंतु आप आगम को अभी छूने लायक भी नहीं हो। जब तक आपको यह बोध नहीं आएगा, उनके लिए तीनों व्यक्तित्वों के बारे में बोध कर लेना चाहिए। बोध का अर्थ ऐसा नहीं है वह खाली बोध होता है, किंतु बोधि की ओर जिसका मुख होता है उसका नाम सद्बोध कहना है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आपने आग्रह किया, समय हमारा हो गया, आप लोगों का भी हो गया। हाँ, मन नहीं भरता, कल कहा था आज आप आ गए, यहाँ रख दो मन को और जाओ, भर जाएगा। ढूंढते भी आपको आना ही पड़ेगा। मन कभी भरता नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दिया है। ऋषि बन गए हैं वहाँ पर 33 सागर के आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि, अब राजसी बगरे उनको ये नहीं हुआ, किंतु इनको हुआ। क्यों हुआ? ये ऋषि क्यों हैं? देवों में भी बाल ब्रह्मचारी बन सकते हैं, सौधर्म के पास ये योग्यता नहीं है। इसलिए अपने आप में ऋषि या संत कहलाना चाहो तो बहुत मेहरबानी होगी स्वयं के ऊपर। थोड़े से अपने पट्टी जो है
पढ़ रखी है उसको चश्मा उतर करके देखने की कृपा मेरे ऊपर नहीं करो, स्वयं के ऊपर कर लो। अहिंसा परमो जय। लो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, श्रवण को श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के सभी छात्रों ने अभी इस साल गर्मी की छुट्टियों में 72 गांव में शिविर लेकर धर्म प्रवाहना किया है। ऐसे सभी ये श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के सभी छात्र आए हैं, उनके लिए आचार्य जी आशीर्वाद दे रहे हैं।